यूपी में योगी आदित्यनाथ ने दोबारा कमान संभाली तो अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर ने भी अपनी रफ्तार पकड़ी। शहर शहर में अवैध कब्जों पर वार हुआ, बुलडोजर के जरिए भू माफियाओं पर प्रहार हुआ। योगी बाबा का बुलडोजर जैसे जैसे आगे बढ़ा, कानून तोड़ने वालों में कार्रवाई का खौफ बढ़ा। लेकिन इस कार्रवाई के बीच कुछ शहरों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आईं जहां पुलिस किसी अपराधी के घर बुलडोजर लेकर पहुंच गई। अपराधी के घर बुलडोजर वाली कार्रवाई का डर दिखाया, बुलडोजर के जरिए सरेंडर करने का दबाव बनाया। अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को यूं तो कानून की ताकत, डंडा और पिस्तौल के हथियार दिए गए हैं, लेकिन एक नया हथियार उत्तर प्रदेश पुलिस को खूब भा रहा है। यह हथियार बुलडोजर का है। उत्तर प्रदेश पुलिस लगभग हर शहर में बुलडोजर अपराधियों के घर पर खड़ा कर रही है और घर को गिरा देने की धमकी दे रही है। अब ऐसी ही कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है, जिसमें साफ कहा गया कि बुलडोजर वाले एक्शन से पहले यह तय किया जाए कि ऐसी किसी कार्रवाई की शिकायत ना आए। पहले भी यह चीज स्पष्ट की जा चुकी है और दोबारा भी यह शासन की तरफ से निर्देश आए हैं कि बुलडोजर का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में न हो और सभी न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही इस तरह की चीजें की जाए। सीएम की ओर से दिए निर्देश में कहा गया है कि बुलडोजर से अवैध संपत्तियों को ढहाने की कार्रवाई केवल पेशेवर माफियाओं और अपराधियों पर हो, किसी भी गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलेगा। साथ ही ये भी कहा गया कि ऐसी किसी भी कार्रवाई से पहले कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन किया जाए। नॉर्मली जो बुलडोजर का इस्तेमाल वैसी जगह पे किया जा सकता है जिन्होंने कोई भी सरकारी जमीन अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है तथा इसके बारे में न्यायिक आदेश पारित हो गए, वो वहां के संबंधित एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा भी हो सकता है और सक्षम न्यायालय के द्वारा भी हो सकता है, या इसके अतिरिक्त किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी नोटिस जारी किया हो तोड़ने का, इंक्रोचमेंट हटाने का, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने ये अपना इंक्रोचमेंट नहीं हटाया है और डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर हमसे फोर्स मांगती है तो केवल फोर्स मुहैया कराया जाता है, बुलडोजर वो अथॉरिटी अपने तरफ से ले जाती है। जिस बुलडोजर ने यूपी चुनाव में धूम मचाई वो बुलडोजर चुनाव के बाद रफ्तार में है। यूपी के अलग अलग शहरों में बुलडोजर के कहर की तस्वीरें लगातार सामने हैं। विपक्ष इसे बदले की कार्रवाई बता रहा है तो वहीं सरकार अपराधियों पर नकेल कसने वाला एक्शन। कुछ कह दे, आपकी विचारधारा कोई सवाल उठा दे तो उसका आप पर्सनल दुश्मनी निकालेंगे तो सरकार आप क्यों चला रहे हैं? गुंडाई करिए सरकार क्यों चला रहे हैं आप? तो ये गुंडागर्दी है और संविधान का विरोध है, खुलेआम उल्लंघन है, जो बिल्कुल ही जनमानस के लिए ठीक नहीं। लेकिन अब सरकार की ओर से साफ किया गया है कि हर अपराधी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाना सही नहीं और अगर ऐसी शिकायत मिलती है तो कार्रवाई भी की जाएगी। किसी भी तरीके का वांटेड क्रिमिनल या वैसे लोगों के विरुद्ध बुलडोजर का उपयोग करना सर्वथा गलत है और इस संबंध में सबको बार बार ये बताया जा रहा है कि अगर किसी जगह इस तरह के दुरुपयोग की शिकायत या छोटे मोटे व्यक्तियों पर ऐसे जगह पे जिसके पास कोई अल्टरनेटिव चीजें नहीं है और बिना समय दिए अगर दुरुपयोग किया जाएगा तो इसको काफी एडवर्सली व्यू किया जाए। यूपी में बुलडोजर वाली कार्रवाई से अपराधियों में खौफ है, लेकिन सरकार इस बात को लेकर सतर्क है कि इसकी आड़ में किसी गरीब को निशाना न बनाया जाए। बुलडोजर वाली कार्रवाई से पहले कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया जाए। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, आज तक।
यूपी से आपको लेकर चलते हैं मुंबई। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के मुंबई स्थित घर के बाहर राज्य परिवहन कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार पर वायदों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। इन कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान ही सुप्रिया सुले ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन विरोध जारी रहा। हालांकि बाद में किसी तरह प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को समझाकर वहां से हटा दिया गया। आओ मैडम, 5 महीने काय केलं, मैडम 5 महीने काय केलं।